हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी में। HSSC ने भेजा नया नोटिस। HSSC ने एक परीक्षा का रिटर्न एग्जाम परीक्षा हुई थी अभी, तो उस भर्ती का रिजल्ट निकाल दिया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सी भर्ती का रिजल्ट निकाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ये जैसे HSSC ने वेरियस पोस्ट, 3206 पोस्ट थी ITI इंस्ट्रक्टर की, जो अभी पीछे उनका पेपर हुआ था, तो उसकी लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल से क्या बात है। ये देख सकते हैं आप, डाउनलोड कैटेगरी, ये देख सकते हैं कैटेगरी 11, 12, 23 और 26, इन कैटेगरी है जो उनका रिजल्ट है आ गया है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपका कैटेगरी 11 का ये है, कैटेगरी 12 का, कैटेगरी 13 और कैटेगरी 26। तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ PDF। ये देख सकते हैं आप, अभी डाउनलोड हो जाएगी। ये देख सकते हैं अभी अभी का नोटिस है, बिल्कुल CVT पेपर था आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर आपका 12/2019, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर, कैटेगरी नंबर 11 का ये जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया। जो लिखित परीक्षा हुई थी इसकी, तो उसका रिजल्ट आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको सीधा कट ऑफ बता देता हूँ। बाकी मैं इस साइट का आपको लिंक दे दूंगा, आप अपना रिजल्ट है देख सकते हैं। टोटल 15 पेजों की है जो लिस्ट, अभी अभी नोटिस आया नया, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनिंग के लिए आपको टाइम दिया गया 13 मार्च 2020 से लेकर 15 मार्च 2020 तक, और पहुँचना कहाँ पे आपको, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला, वहाँ पहुँचना आपको। अगर इन केस अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पे नहीं पहुँचता है, तो उसको इसके अलावा कोई भी अलग से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नहीं टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसके इस साइट का मैं आपको लिंक दे दूंगा। और ये आपको कैटेगरी 12 का और दिखा देता हूँ मेरा रिजल्ट है। ये देख सकते हैं आपका, इसकी पोस्ट थी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर, कैटेगरी नंबर 12, टोटल पोस्ट आपकी 227। तो इसमें आपको 14 पेज दे रखे हैं रिजल्ट के, तो देख सकते हैं। इसको मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है आपको। आपको जाना है 16 मार्च 2020 से लेकर 18 मार्च 2020 तक, और जाना कहाँ आपको, सेम ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में आपको पहुँचना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में आपके सेल्फ अटेस्टेड सभी कागजों की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके। तो ये और कैटेगरी 23 का और दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, आपका इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर का जो कैटेगरी नंबर है 23 है, इसकी 143 पोस्ट थी, तो इसका भी रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं। टोटल 8 पेज है इसमें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बता देता हूँ आपको, स्क्रूटनिंग के लिए आपको टाइम दिया गया 19 मार्च 2020 से लेकर 20 मार्च 2020। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 19 मार्च 2020 से लेकर 20 मार्च तक। तो ये अभी अभी साइट पे नोटिस आया है, और कैटेगरी 26 का और बता देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं, वेल्डर, जो वेल्डर की थ्योरी इंस्ट्रक्टर थ्योरी, कैटेगरी नंबर आपका 26, टोटल पोस्ट कितनी है इसकी, 123। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, टोटल पेज है इसमें 7। तो इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 21 मार्च 2020 को, आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में पहुंच सकते हैं 9 बजे। और इसके अलावा एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन केस कोई कैंडिडेट वहाँ पे अब्सेंट रहता है, तो उसको दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा, इन्होंने ये बोल दिया है। अभी ये देख सकते हैं आप, डज नॉट अपीयर स्क्रूटनिंग डॉक्यूमेंट, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल गिवन बाई देयर आफ्टर, इसके अलावा आपको दोबारा से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, अभी वेबसाइट पे नोटिस आया है। तो
अगर आप ये रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस साइट का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या, ये देखो, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।